मुख्तलिफ जगहों पर बदर
कदर के वाकये का तज़किरा किया है, मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम दो जगहों से उस वाकये का कुछ तज़किरा आप हज़रात की खिदमत में अल्लाह की तौफीक से अर्ज कर सकूं। और हमें जो इससे पैगाम मिलता है, काश के वो पैगाम हम उससे ले सकें। बदर के वाकये का पसमंजर ये था कि बदर की जंग ये पहले से तयशुदा जंग नहीं थी, ये जंग तो बस अचानक हो गई। न मुसलमानों का इरादा था जंग का, न कुफार और मुशरिकीन पहले से इरादा रखते थे। तो एक तिजारती काफिला जा रहा था, उसके साथ वाकयात पेश आए जिसके नतीजे में वहां से लश्कर चला और मुसलमानों ने इधर से अपनी हिफाजत का सामान किया और जंग की नौबत आ गई। इसका भी अल्लाह ने तस्किरा किया है कि ये पहले से कोई प्री प्लान्ड जंग नहीं थी। फरमाया अल्लाह ताला ने इन अंतुम बिल उदवति दुनिया व हम बिल उदवति कुस्वा व रक्ब असफल मिनकुम। उस वक्त को याद करो जब तुम मदीने से करीब के इलाके पर थे और वो लोग दूर के इलाके पर थे, यानी जिस जंगे बद्र जहां हुई, जाहिर है मुसलमान मदीने मुनव्वरा की तरफ से आए थे तो वो मदीने के करीब थे और वो उधर से आ रहे थे तो वो मदीने मुनव्वरा से दूर थे। मदीने मुनव्वरा की साइड पर मुसलमान थे और दूसरी साइड पर मुशरिक थे। वर्रकु असफल मिनकुम, और जो लश्कर तैयार होकर आया था अबू सुफियान की क़यादत में मक्का मुकर्रमा से, वो लश्कर नीचे की तरफ था, पहाड़ियों से ऊपर आ रहा था। ये अल्लाह ताला ने जंग के मैदान का नक्शा बयान फरमाया, तो फरमाया वलम तवाअदतुम लख्तलफतुम फिल मीआद। अगर तुम लोग बैठकर इस जंग के बारे में वक्त तय करते तो तुम्हारे दरमियान 100% इख्तलाफ हो जाता। इख्तलाफ इसलिए होता कि मुसलमान तो बिल्कुल बेसरो सामान थे, न उनके पास असबाब थे, न वसाइल थे, न हथियार थे, न सवारियां थी, कुछ भी नहीं था। यहां तक कि उनके पास नफर भी नहीं थे, लोग भी नहीं थे। तो जाहिर सी बात है ऐसी पोजीशन में फिर मुसलमान जंग के लिए आसानी से तैयार नहीं होते अगर पहले से इसकी कोई प्लानिंग होती। और मुशरिक भी ये जानते थे, मक्के के लोग भी ये जानते थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और उनकी जमात बड़ी बहादुर लोगों की जमात है। उनके दिल पर एक हैबत, एक खौफ, एक डर तारी था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का और आपके सहाबा का, इसलिए वो भी आसानी से जंग के लिए तैयार ना होते। उसी को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि अगर तुम पहले से उस जंग की तैयारियां करते, उसका वक्त तय करते तो लख्तलफ्तु फिल मीआद, तुम्हारे दरमियान वक्त को लेकर इख्तलाफ हो जाता। वलाकिन लियक्दी अल्लाह अमरन काना मफ़ऊला, लेकिन अल्लाह जिस चीज को मुकद्दर कर चुका था, अल्लाह चाहता था कि वो हो जाए। अल्लाह की तरफ से बास चीजें अल्लाह की तकदीर में लिख दी गई होती है और हमारा और आपका या इंसानों का एहसास वहां तक पहुंच नहीं पाता। मैं बहुत अहम बात अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह की तरफ से बाद में आने वाले कुछ बेहतरीन हालात इंसानों के लिए, अहले ईमान के लिए तय शुदा होते हैं, अल्लाह की तकदीर में लिखे होते हैं और इंसान और मुसलमान वहां तक सोच नहीं पाते। तो फिर अल्लाह का मंसूबा काम करता है, अल्लाह की प्लानिंग काम करती है और ऐसे हालात बन जाते हैं जिसमें बज़ाहिर इब्तिदा में अहले ईमान को ये लगता है कि ये तो बड़े मुश्किल हालात हैं, लेकिन उसी मुश्किल हालात के जरिए फिर अल्लाह ताला अपनी तकदीर में लिखे हुए उन बेहतरीन फैसलों को सामने रखता है जिसकी तवक्को कोई कर नहीं सकता था। बहुत गालियां सुनने को मिलती हैं किसी मौजू पर,
बहुत बुरा भला कहा जाता है और बड़ी तंगी का माहौल नजर आता है। अब उस वक्त तो अहले ईमान को ये लगता है कि हमारे रास्ते बड़े तंग हो गए और हमें तो बिल्कुल घेर लिया गया और फितरी बात होती है, लेकिन अल्लाह का कुछ और फैसला होता है। अल्लाह का फैसला ये होता है कि इसी रास्ते से आगे चलकर हम वो कुशादगियां पैदा करेंगे कि जिन्होंने तंगियां पैदा की थी वो अगले 7 जन्मों तक भूल जाएंगे साहब। अल्लाह की तकदीर इंसान सोच भी नहीं सकता। जिस वक्त वो सख्त हालात आते हैं उस वक्त वो घबराता है, अहले ईमान परेशान होते हैं ये क्या हो गया, लेकिन अल्लाह का जो फैसला होता है वो अपने वक्त पर जब सामने आता है तब समझ में आता है कि अल्लाह की तो प्लानिंग ही कुछ और थी। तो बदर के बारे में अगर पहले से हालात बनाए जाते और पूछा जाता तो मुसलमान भी कहते कि भाई हमारे पास ना असबाब है ना वसाइल है ना अफराद है ना हथियार है ना सवारियां है, हम कहां से मुकाबला करें। तो अल्लाह ताला ने ये तय फरमाया कि कुछ तय नहीं होगा, हम अचानक जंग के हालात बना लेंगे और तुमको मजबूरी में जंग में शामिल होना पड़ेगा ताकि हमारी जो प्लानिंग है वो फिर सामने आए तो फिर तुम ये कहो कि अल्लाह ने तो वाकई हमारे हाथ में क्या बेहतरीन फैसला कर। इसीलिए कहा जाता है कि कैसे भी हालात हो हमें मायूस नहीं होना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अल्लाह इन हालात के पीछे से क्या लेकर आ रहे हैं उस पर निगाह रखनी चाहिए और अपने को उसके लिए तैयार करना चाहिए। फरमाया अल्लाह ताला ने वलाकिन लियक्दी अल्लाह अमरन काने मफ़ूला, जो अल्लाह का मंसूबा था तय शुदा, अल्लाह ये चाहते थे वो मंसूबा सामने आ जाए और वो मंसूबा क्या था अल्लाह ने उसको बयान फरमाया। लियहलिका मन हलका अन बैना व यहया मन हया अन बैना, कि इस बदर की जंग के जरिए ये बात बिल्कुल खुलकर सामने आ जाए कि जो अपनी कुफ्र और शिर्क पर डटा है और अभी उसने अल्लाह की नाफरमानी का रास्ता इख्तियार कर रखा है तो उसके सामने दलील आ जाए, बात वाज़ह हो जाए, कुफ्र और शिर्क की जिल्लत वो अपनी आंखों से देख ले, अहले ईमान की नुसरत अपनी आंखों से देख ले, अब भी फिर अगर वो अपने कुफ्र और शिर्क पर कायम है तो फिर वो दलील देखने के बाद कायम रहे, अल्लाह की तरफ से हुज्जत पूरी हो। और जो ईमान की जिंदगी इख्तियार करे, हयात जाविदानी हयात अबदी, ऐसी जिंदगी जिसमें सआदत है जो बाकी रहने वाली है, तौहीद की जिंदगी ईमान की जिंदगी, वो ईमानी जिंदगी भी ईमान वालों में पूरे दलाई को देखने के बाद पुख्ता हो जाए, यानी अल्लाह की तरफ से वाज़ह कर दिया जाए कौन हक पर है कौन बातिल पर। जो दुनिया से हलाक होकर जाए वो भी वाज़ह दलील देखकर जाए और जो दुनिया में बाकी रहे वो भी वाज़ह दलील देखकर बाकी रहे, कोई बात ढकी छुपी ना रह जाए। अल्लाह का पैगाम अल्लाह का दीन अल्लाह की बात सब तक पहुंच जाए। अब उसके लिए कुछ कठिन दौर से गुजरना पड़े अहले ईमान को तो अहले ईमान को कबूल करना चाहिए, लेकिन ये अल्लाह का मंसूबा होता है। बार मरतबा लोग सही तरीके पर सीधी जबान में अल्लाह की बात नहीं सुनते तो फिर अल्लाह ताला कुछ और रास्ते अख्तियार करते हैं, लेकिन हर एक के कान तक अल्लाह की बात बहुत जरूर आती। मैं बहुत इशारों में गुफ्तगू कर रहा हूँ, अल्लाह करे कि समझदार लोग हों और गुफ्तगू को समझ रहे हो। बहुत सी मरतबा लोग खुद से बात सुनना नहीं चाहते तो फिर अल्लाह उनको मजबूर कर देता है कि वो बात सुनते हैं और पैगाम उन तक पहुँचता है। अब भी अगर नहीं मानते तो फिर वो दलील पहुँच गई, हुज्जत तमाम हो गई, हक का पैगाम उन तक पहुँच गया, तौहीद की बात पहुँच गई, मुसलमान क्या है ये पैगाम पहुंच गया, इस्लाम की तालीमात क्या है ये पैगाम पहुंच गया, इस्लाम क्या सिखाता है ये पैगाम पहुंच गया, मौत के डर और खौफ से कौन कांपता है और कौन अल्लाह की तकदीर पर ईमान रखता है, इसके दिल में अल्लाह
یقین ہے اور کون اللہ سے بیزار ہے, کون مشکل وقت میں اپنوں سے بھی بھاگ جاتا ہے اور کون مشکل وقت میں غیروں کے بھی کام آتا ہے, یہ ساری باتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی. تم خود اگر جا کر نہیں سیکھو گے تو اللہ ڈنڈے مار کے سکھائے گا. یہ اللہ کا نظام, اسے ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے. مسجد میں آ کے نہیں سنو گے, مولانا کی بات نہیں سنو گے, حافظ جی کی بات نہیں سنو گے, تو کمرے میں گھس کر لحاف میں لیٹ کر تمہیں دیکھنا اور سننا پڑے گا, لیکن پیغام پہنچ کر رہے گا. اللہ حق بات کی حجت قائم کر کے رہے. پھر بھی نہیں مانتے تو لیا لے کر من ہلاک عام بینا, جس کو ہلاک ہونا ہے وہ دلیل دیکھ کر ہلاک ہو, کفر اور شرک پر پوری دلیل کے ساتھ ہلاک ہو, اور جسے مضبوط رہنا ہے وہ دیکھ لے کہ اللہ پر ایمان والے کیسے ہوتے ہیں, اسلام کیا سکھاتا ہے, دین کیا سکھاتا ہے, قرآن کیا سکھاتا ہے, مسلمانوں کے جذبات کیا ہیں, مسلمانوں کے اندر کیسا اللہ نے انسانیت کا درد رکھا ہے. گالیوں کی بوچھار, قسم بخدا عرض کرتا ہوں مسجد میں بیٹھ کر, دنیا کی کسی قوم میں ایسی وسعت ہو نہیں سکتی جو کشادہ قلبی اللہ نے اہل ایمان کو عطا فرمایا, ایسی وسعت عطا فرمایا. اور آج نہیں تو کل اللہ سب سے اس کا اعتراف کروائے. اور اعتراف ہے, زبان سے کہنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہوتا, بڑی بینے بجائیں گے تو آپ وکٹم سے پلٹا کرنا اور زبان سے کچھ بولنا نام کا بھی تو کچھ مسئلہ ہے, لیکن حقائق اللہ تعالیٰ کھول دیں. یحیی کا من ہلک عن بینا ویحیی الحی عن بینا, جو برباد ہوگا وہ سب دیکھ کر برباد ہوگا, جو باقی رہے گا وہ سب کو دیکھ کر باقی رہے گا. اعتماد پیدا, ہمیں حالات کے بعد مایوسی سے نکل کر اعتماد کی کیفیت میں آنا چاہیے. اللہ پر یقین, اسلام کی حقانیت پر یقین, مسلمانوں کے اعلی اخلاق پر یقین کہ یہ ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں ملا, اور ان کے ان جذبات پر لشک ہونا چاہیے اہل ایمان کو. اپنے اندر بھی یہ جذبات ہونے چاہیے کہ اللہ ہمیں انسانیت کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. تمام حالات ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے, لیکن جس طرح سے ہمارے اہل ایمان بھائیوں نے پوری دنیا میں ایک مثال قائم کی پچھلے سال بھی اور اس سال بھی, وہ واقعی ایک ایسی روشنی ہے کہ اب بھی اگر اس سے کوئی روشنی حاصل نہ کرے تو سوائے اس کے لیے کہا جائے کہ وہ آنکھوں سے اندھا ہو چکا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی دوسری تعبیر شاید استعمال کرنا ہو. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَا وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ بہت سننے والا, بہت جاننے والا. پھر اس کے بعد دیکھیے, میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں, قرآن فطرت کے خلاف نہیں جاتا, قرآن نیچر کے خلاف بات نہیں کرتا, انسانی فطرت کے مطابق بات کرتا. انسانی فطرت ہے یہ کہ تعداد کی کمی اور زیادتی کا انسان کے دل اور دماغ پر اثر پڑتا ہے, یہ فطری بات ہے. کتنا ہی بڑا صاحب ایمان کیوں نہ ہو, اس کے اوپر ایک نیچرلی ایک اثر ہوتا ہے تعداد کی کمی اور زیادتی. اللہ نے انسانی اس فطرت کا کتنا خیال کیا اس آیت میں بیان کرنا. جب بدر کا موقع آیا تو اب مسلمان جب 313 کے قریب اور کفار مشرکین کا لشکر تھا 1000 اور اس سے بھی زیادہ, اور خبر یہ بھی تھی کہ ایک اور لشکر آ رہا ہے, اللہ نے اب صحابہ سے زیادہ ایمان کسی کا نہیں ہو سکتا, اور فرمائیے گا صحابہ سے زیادہ کسی کا ایمان ہو سکتا ہے, لیکن اللہ یہ جانتے تھے کہ انسان ہے یہ بھی اور انسانی فطرت ہے کہ تعداد کی کمی اور زیادتی اثر انداز ہوتی ہے. حالانکہ کوئی فرق نہیں پڑتا تعداد کی کمی اور زیادتی سے, اثر تو اللہ ہے, اللہ کی طاقت ہے, لیکن انسانی فطرت کے اثر سے جو تعداد کی کمی اور زیادتی اثر انداز ہوتی اللہ نے اس کا بھی علاج فرمایا اور حل پیش کیا. فرمایا اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا. یاد کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب آپ بدر سے پہلے سوئے تھے تو ہم نے آپ کو خواب میں دشمنوں کی تعداد
बेदार होकर सहाबा से फरमाया कि दुश्मन तो बहुत थोड़ी सी तादाद है। अब जब ये बात फरमाई तो मॉरली ताकत महसूस हुई सहाबा। फितरी तौर पर अगर आपको दिखा दिया जाता और बता दिया जाता कि तुमसे तीन गुनी तादाद है तो वो अल्लाह पर यकीन भी रखते थे, भरोसा भी रखते थे, लेकिन इंसानी फितरत का असर पड़ता तो अल्लाह ने उस इंसानी फितरत का ख्याल करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में तादाद बहुत थोड़ी सी दिखाई। कुफार कुरान में तस्करा है, ये किसी का मजबूर नहीं सुना रहा। इज युरीदुहुमुल्लाहु फी मनामिका क़लीला, अल्लाह ने तुम्हें बड़ी थोड़ी सी तादाद दिखाई। और फिर अल्लाह फरमाते हैं वलव अराकहुम कसीलन, अगर मैं तुमको पूरी तादाद दिखा देता और आप सहाबा से बता देते कि इतनी बड़ी तादाद है, लफशिल तुम तो तुम्हारे अंदर बुजदिली पैदा हो जाती, वलतनाज़अतुम फिल अम्र और तुम आपस में ही उलझ जाते कि इतनी बड़ी तादाद से मुकाबला करना भी चाहिए या नहीं, वलाकिन्नल्लाह सल्लम, लेकिन अल्लाह ने तुमको महफूज फरमाया, तुम्हें दिखाया और थोड़ी सी तादाद है, बड़ी आसानी से मुकाबला हो जाएगा। इंसानी फितरत का ख्याल भी रखना चाहिए। अब यहां पर मैं ये भी अर्ज करूं, हमारे बड़े बहादुर लोग होते हैं, ये बीमारी का दौर चल रहा है, हम जैसे को तो बहुत सांपता है, मास्क लगाए देख लिया, अरे मुड़ा साहब की मास्क लगा दी, मुड़ मुड़ कर देखते, मुड़ मुड़ कर आजूमा कर रहे हैं। इस्लाम फितरत से बगावत नहीं सिखाता है, इस्लाम अपने आप को खुद मर्ज में मुबतला कर देने की तालीम नहीं देता है। कोई लगाए ना लगाए मुझे उससे बहस नहीं है कि मैं किसी पर कोई तरतीब कर रहा हूं, लेकिन मैं इस्लाम की फितरी तालीम बता रहा हूं और उस फितरी तालीम का तस्करा कर रहा हूं जिसको इस वक्त के सारे उलमा कह रहे हैं, सारे इदारे कह रहे हैं कि यह एहतियात इख्तियार करना इंसानी फितरत के मुताबिक अमल है, इसका ताल्लुक जर्रा बराबर भी दीन के खिलाफ नहीं है, ये कोई तकवे और एहतियात के खिलाफ काम नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में वाज़ह इरशादात है। एक सहाबी आए, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, गैर मुस्लिम आए काम ईमान कबूल करते हैं, आपके हाथ पर बैत करने आए हैं, उनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता चला कि उन्हें कोर की बीमारी है, मजजूम है, तो आपने फरमाया मैंने आप हाथ में हाथ लेकर बैत करते थे, लेकिन जब आपको आपको ये पता चला कि उनको ये बीमारी है तो आपने उसे फरमाया कि मैंने तुमको बैत किया, अब तुम घर चले जाओ, आपने उनसे मुसाफहा इसी वजह से नहीं फरमाया। मुस्लिम शरीफ में ये रिवायत मौजूद है। हजरत मुझे सहाबी का नाम गालिबन थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, उनके जमाने में ऐसे ही वबाई बीमारी आई तो उन्होंने लोगों से फरमाया कि आपस में दूरी इख्तियार रखना, पहाड़ों पर चले जाओ जब तक इस मर्ज की शिद्दत में कमी नहीं आ जाती। ये भी गैर मंतिकी बात है कि इलाज एहतियात को आदमी दीन के खिलाफ समझने लगे। यहां से मैं इसलिए याद कर रहा हूं कि तादाद की कमी और ज्यादती इसका असर भी फितरत में पड़ता है, नेचर में पड़ता है, और सहाबाए किराम जैसी मुकद्दस और बाबरकत जमात भी उससे मुतासिर हो सकती थी। इसलिए अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, मैं तो भाई अक्सर कोशिश करता हूँ कुरान मजीद से ही बात करूँ, कुरान मजीद की आयात का ही तर्जुमा पेश करूँ, और बार बार अर्ज करता हूँ अगर किसी को तर्जुमे में कोई शक हो, जितने कुरान मजीद के तर्जुमे और तफासीर मौजूद हैं उनमें जाकर वो देख ले, अगर मेरी गलती की इस्लाह करेगा तो मैं उसके हाथ छू लूंगा, शुक्रगुजार होऊंगा। ये दीन का मामला है। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ऐ सहाबा की जमात, मुशरिकों की तादाद अगर ज्यादा होती दिखती तुमको तो तुम्हारे अंदर कमजोरी पैदा हो जाती, इसलिए अल्लाह ने यह इंतजाम किया कि तो बहुत थोड़ी सी तादाद दिखाई ताकि तुम्हारा नेचर, तुम्हारी फितरत, तुम्हारी अकल उसके लिहाज से भी तुम्हें इत्मीनान और सुकून की कैफियत हासिल हो। इसलिए फितरत से आगे नहीं जाना चाहिए, इंसानी मिजाज से आगे नहीं जाना चाहिए, इंतजार इख्तियार करनी चाहिए, बहुत सख्त इसकी जरूरत है। अल्लाह ने मौका दिया है, अपने घर में आने का मौका मिल रहा है, इसको गनीमत समझे। अक्सर इलाकों में मौका नहीं मिल पा रहा है,
तो अल्लाह ने मौका दे रखा है तो उसको गनीमत समझें, एहतियात का रास्ता इख्तियार करें, अल्लाह से दुआएं मांगते रहें। एहतियात अपने आप में मुअस्सर नहीं है, यकीनन कोई बच नहीं सकता एहतियात करके अगर अल्लाह बचाने पर ना आए, और किसी को कुछ हो नहीं सकता, और हो सकता है वो बिल्कुल भी एहतियात ना करता। हम इसके मुकल्लफ नहीं है कि कोई बीमार होगा या नहीं होगा, इसके मुकल्लफ नहीं है। हमें शरीयत ने एहतियात का मुकल्लफ किया है, बीमारी और शिफा तो अल्लाह के इख्तियार, किसको मिलनी है किसको नहीं मिलनी ये तो अल्लाह का फैसला। बहरा फिर अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, यदि युरीकुमुल्लाहु फी मनामिका क़लीला वलव अराकुम कसीरा लफशिलतुम वलतनाज़अतुम फिल अम्र वलकिन्नल्लाहा सल्लम इन्नहु अलीमुन बिज़ाति सुदूर। वइज़ युरीकुमूहुम, और फिर जब तुम्हारी मुठभेड़ हुई, इज़ तक़ैतुम, तुम लड़े, जिस वक्त आपस में टकराव हुआ, बदर के मौके की बात है, उस टकराव के मौके पर फिर दोबारा अल्लाह ने यह किया, फी अयुनिकुम क़लीला, तुम्हारी निगाहों में और थोड़े से थे, बार बार अल्लाह इंतजाम कर रहा है, हुजूर को यह बता रहा है थोड़े से, तुमको यह दिखा रहा है कि थोड़े से, ताकि हिम्मतें बुलंद रहे, और उनको भी यह दिखाया कि यह थोड़े से, यह भी गौर करने की बात, कुफार और मुशरिकीन को भी यह नजर आया कि मुसलमान बड़े थोड़े से, उनको क्यों नजर आया, ये तो थे ही थोड़े से, उनको इसलिए नजर आया ताकि अल्लाह ये चाहते थे कि ये चले न जाए, ताकि हमारे हक और बातिल के दरमियान फर्क करने का जो आज फैसला कुछ दिन है, कहीं ऐसा ना हो इसका मौका ही ना आए, ये देख लेते कि मुसलमान भी अच्छे खासे हैं, इनके पास भी हथियार पता चला वो भाग गए, तो फिर वो दलील कैसे कायम होगी, वो हुज्जत कैसे कायम होगी। इसलिए अल्लाह ने उनको भी तादाद कम करके दिखाई ताकि वो मुकाबला करें, और जब मुकाबला हो तब फिर अल्लाह की तरफ से हक और बातिल के दरमियान फर्क कर दे। ये अल्लाह का बड़ा जबरदस्त मंसूबा होता है, हमारी और आपकी अकलें पहुंच नहीं सकती कि अल्लाह का क्या मंसूबा चल रहा है, अल्लाह का क्या फैसला है, अल्लाह का इसके पीछे क्या निजाम है। वमकरु वमकर अल्लाह, तुम्हारी भी कुछ साजिशें हैं, चल जाएगी कुछ दिन तुम्हारी साजिशें, कुछ दिन चीख लो चिल्ला लो जितना चीख लो चिल्ला सकते हो, अल्लाह ने भी फिर एक मंसूबा बनाया है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और जब अल्लाह का मंसूबा मंजर आम पर आएगा तो चीखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। अल्लाह बहुत ताकतवर, अल्लाह के पास बड़ी हिम्मत है, हमारी तरह अल्लाह जल्दबाज नहीं है, अल्लाह उजलत नहीं फरमाते, अल्लाह ताला एकदम से किसी बात पर पकड़ नहीं फरमाते, बहुत ढील मिलती है, बहुत मौका मिलता है, लेकिन मंसूबा बहरहाल अल्लाह ही का कामयाब होगा, यकीन होना चाहिए। तो बदर में भी यही हुआ, मुसलमानों को दिखाया गया तादाद बहुत कम है ताकि हिम्मतें बढ़े, मुशरिकीन को दिखाया गया तादाद बहुत कम है ताकि वो भिड़े आकर, और जब भिड़ गए तो फिर अल्लाह की तरफ से वो हुआ जिसका तज़किरा चौथे पारे में सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, और मैं बहुत जल्दी से उसका तज़किरा करके बल्कि नवे पारे में से तज़किरा कर दूं, अल्लाह ताला ने उसको बयान फरमाया, फरमाया वज़कुरू इज़ अंतुम क़लीलुन मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ض, ये सूरह अनफ़ाल की आठवीं नवी आयतों में फरमाया, वज़कुरू इज़ तस्तग़ीसून रब्बकुम, याद करो उस वक्त को जब तुम अपने रब को पुकार रहे थे मदद के, बदर का मौका है, मुकाबला हो रहा है, अहले ईमान अल्लाह से, ऐ अल्लाह हमारे पास असबाब नहीं है, हमारे पास वसाइल हथियार का कुछ नहीं है, हम आपकी मदद के मोहताज, अल्लाह को पुकार रहे, फस्तजाब लकुम, अल्लाह ने तुम्हारी मदद फरमाई, तुम्हारी दुआ कबूल फरमाई, अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फ मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, हजार फरिश्तों का लश्कर होगा, कुरान में तीन तादाद का तस्करा आया, यहाँ पर 1000 फरिश्तों का, चौथे पारे में 3000 फरिश्तों का और 5000 फरिश्तों का, इसके दरमियान तकबीर उलमा ने यह दी है कि अव्वल महीने में 1000 फरिश्ते उतरे, फिर मुसलमानों को यह हुआ कि अभी और मदद की जरूरत है तो 3000 फरिश्ते उतरे, फिर यह पता चला कि एक और लश्कर कुफार मुशरिकीन का आ रहा है, तो अल्लाह ने फरमाया अगर वो लश्कर आएगा तो मैं 5000 उतार दूंगा, लेकिन वो लश्कर नहीं आया, ज्यादा 5000 फिर नहीं हुए, और ये भी उलमा ने लिखा है आगे की आयतों की रोशनी में कि ये फरिश्ते अल्लाह की तरफ से उतरे, लेकिन इन फरिश्तों ने आकर जंग नहीं लड़ी, बल्कि वमा जअलहु अल्लाहु इल्ला बुशरा, ये फरिश्ते तो खुशखबरी के लिए उतरे थे, वलितत्मइन्न बिही कुलूबुकुम, तुम्हारे दिलों को
सफर तो अल्लाह ने अहले ईमान के जरिए से करवाया है, फरिश्ते तो अल्लाह की तरफ से इसलिए आए थे ताकि तुमको इत्मीनान की कैफियत नसीब हो, तुम्हारे को तुमको खुशखबरी नसीब हो, इसलिए अल्लाह ने इन फरिश्तों का नुज़ूल फरमाया था। और उन्होंने मुसलमानों की बस हेल्प की थी, मदद की थी। ज्यादातर मुफस्सिरीन ने यही बात लिखी, क्यों? क्योंकि आगे का जुमला ये कहता है वमन नसर इल्ला मिन इंदिल्लाह, नजर फरिश्तों पर भी मत रखना, मदद तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह तो फरिश्तों का भी कौन, कितना बेनियाज है अल्लाह। फरिश्तों का तस्किरा फरमाया गया, मुसलमानों तुम्हारी खुशखबरी के लिए, तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हारी तसल्ली के लिए हमने 5,000, 3,000, 1,000 फरिश्ते उतार दिए। लेकिन फौरन मुसलमानों की नजरें फरिश्तों से भी फेर कर अपनी तरफ करते हुए कहा वमन नसर इल्ला मिन इंदिल्लाह, मदद तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। किसी फरिश्ते की भी ये हैसियत नहीं है कि वो बगैर अल्लाह के हुक्म के किसी की मदद कर सके। इन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह जबरदस्त है, अल्लाह हिकमत वाला। अल्लाह ने उस वक्त क्या किया, तुम्हें किस तरह जमाया? हुआ यह था कि मुशरिकीन पहले आ गए और बदर में उस जगह पर आकर उन्होंने कब्जा कर लिया जहाँ की रेत बड़ी अच्छी थी, और मुसलमानों को वो जगह मिली जहाँ धसी हुई रेत थी, और पानी के सारे चश्मों पर मुशरिकीन ने कब्जा कर लिया। तो फिर अल्लाह ने क्या किया, इज युगशीकुमुन नुआस अमनतम मिन, अल्लाह ने तुम्हें बेहतरीन नींद अता फरमाई, ऊंग अता फरमाई। जंग से पहले किसको नींद आती है, लेकिन अल्लाह ने अहले ईमान को जंग से पहले बेहतरीन नींद अता फरमाई। नींद से तबीयत में तवानाई आती, माशाल्लाह सब लोग इससे खूब वाकिफ हैं। सहरी के बाद जब सोते हैं और उठते हैं, रात को जब सोते हैं और उठते हैं, एक तवानाई का एहसास होता है। और जंग के बीच बीच में भी सहाबा को ऊंग आ जाती थी, अल्लाह की कितनी मदद थी। जंग हो रही है, तलवारें चल रही हैं, गर्दनें कट रही हैं, उसमें अल्लाह ताला उन पर इतना अमन नाज़िल फरमाता था कि वो उस पर सो जाते थे बीच बीच। अल्लाह ने फरमाया हमने तुम्हारे ऊपर ऊंग और नींद उतार दी ताकि तुम्हें अमन मिले, सुकून मिले। وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, और आसमान से तुम्हारे लिए खुद पानी बरसाए ताकि जो धसी हुई रेत थी वो जम गई, जमीन हमवार हो गई और रेत से भर भर कर पानी जमा कर लिया गया। अल्लाह की तरफ से मदद हुई। وَيُذْهِبْ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ, और शैतान तुम्हारे दिल में जो वसवसे डाल रहा था, डर और खौफ पैदा कर रहा था, सब अल्लाह ने दूर कर दिया। وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ, तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दिया। وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ, और तुम्हारे कदमों को अल्लाह ने जमा लिया। आगे फरमाया हमने फरिश्तों को, तुम्हारे रब ने फरिश्तों को ये पैगाम भेजा, इनको भेजा था, फरिश्तों को उतारा था, उनको अल्लाह ने ये पैगाम दिया, अन्नी मअकुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं फरिश्तों, मेरी मदद तुम्हारे साथ है। तुम क्या करो, फसब्बितुल लजीना आमन, यहाँ यहीं से उलमा ने ये बात निकाली है कि फरिश्तों ने आकर जंग नहीं की थी, फसब्बितुल लजीना आमन, बल्कि फरिश्तों ने आकर अहले ईमान को जमाया था, उनको मजबूती दी थी, उनकी हिम्मत बढ़ाई, उनके दिल में इत्मीनान और सुकून की कैफियत जो अल्लाह ने उनको ताकत दी होगी उसके जरिए से उनको जमाने का काम किया था। बाकी सहूलती थी कुलूबिल्लज़ीन कफरु रुअब, अल्लाह फरमाता है कुफार के दिल में रौब हम डालेंगे। वज़रिबू मिनहुम कुल्ल बनान, और ईमान वालों से कहा कि तुम मुकाबला करो। बड़ा सबक है ये, मैंने बहुत मुख्तसरन अर्ज किया है। इस वाक़े में, बदर के वाक़े में हमारे लिए बहुत सबक, मुख्तसरन चंद लफ्ज़ों में अर्ज करके बात ख़त्म करता हूँ। पहला सबक यह है कि हमें तादाद से मुतासर नहीं होना चाहिए। तादाद की कोई हैसियत अल्लाह की निगाह में नहीं है, तादाद की कोई वक़ाइत अल्लाह की निगाह में नहीं है, बल्कि अल्लाह ने सूरह आल इमरान में जहाँ बदर का तस्किरा किया वहाँ पर सिफत बयान फरमाई सहाबा की, बला इन तस्बिरू व तत्तकू, तुम्हारे अंदर सब्र होना चाहिए। सब्र कहते हैं गाल पे कोई थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल आगे करने को, इसको सब्र नहीं कहते। सब्र कहते हैं कैसे ही मुश्किल हालात क्यों ना हो, उन हालात में अल्लाह के हुक्म पर जमना, इसका नाम सब्र है। नेकियों पर जमना, इसका नाम सब्र है। गुनाहों से बचते रहना, इसका नाम सब्र है। एक तो सब्र हो तुम्हारे अंदर, दूसरा तक्वा, अल्लाह का डर हो, अल्लाह का ध्यान हो, अल्लाह का लिहाज हो, गुनाहों से इज्तिनाब हो, हराम कामों से, नाजायज कामों से, आंखों के गुनाह से, फहश और यानियत से भागता हो इंसान, ये सिफात जब होंगी तो अल्लाह की तरफ से मदद आएगी। दूसरी बात, इंसान को हमेशा फितरत के मुताबिक बात करनी चाहिए। फितरत से
मेरा फितरत से आगे बढ़कर जो भी बात करे और उसको दीन का जामा पहनाए, समझ लीजिए उसको कुरान की हवा नहीं लगती। फितरत, इस्लाम कभी भी फितरत के खिलाफ नहीं जाता। इस शख्स से बुखार में ताप रहा, अब आप आए चौबीस मस्जिद चलो नमाज पढ़ लो, आप वो ये कहेंगे भाई बीमार के लिए तो इजाजत है, कहीं से बात नहीं, तुम्हारा ईमान नहीं है अल्लाह, यकीन नहीं है अल्लाह, नमाज मस्जिद में पढ़ लीजिए, इतना सवाल मिलेगा यह होगा और बीमार, फितरत के खिलाफ बात है। आप फजाइल के दर्जे में एक आध बात बता दो, ठीक बात है, लेकिन आप उसको दीन के लिवाजे में फितरत से बागी करो। जिस काम को शरीयत ने पाबंद नहीं किया, हम और आप उसको पाबंद करने वाले नहीं होते। किसी भी मामले में हमें फितरत से आगे, फितरत इस्लाम के मुताबिक, इस्लाम नेचर के मुताबिक और तालीमात है। ऐसा नहीं है कि ये कोई अपनी बात है, ये सब तालीमात है। कुरान इससे भरा पड़ा, हदीसें इससे भरी पड़ी। अब बदर के वाक्य में आप गौर फरमाएं, सहाबा से ज्यादा मजबूत ईमान और तवक्कुल और एतमाद और अल्लाह पर यकीन और दुआएं ये किसके पास होगा? लेकिन अल्लाह ये जानते थे कि इंसान है, इनकी ये फितरत है, इनका एक नेचर है, तादाद की कमी और ज्यादती से इन पर असर पड़ेगा। और तबूक में पड़ा था, हुनैन के मौके पर यह असर पड़ा था, जब तादाद बहुत ज्यादा थी तो कुरान कहता है वलौ अअजबतकुम कसरतुकुम, तादाद ज्यादा हुई तो बाद सहाबा के मुंह से ही निकल गया था आज तो हम बहुत हैं, आज तो हम गालिब आ जाएंगे। तो अल्लाह ने इब्तिदा में हालात तंग कर दिए, मुसीबत आ गई, जंग जीतना मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि जो एक फितरत की बात है कि इंसान तादाद देकर मुतासिर हो गया और अल्लाह पर से निगाह हटी, बस अल्लाह की पकड़ आ गई, अल्लाह की तरफ से आजमाइश में डाल दिया गया। यही फरमाया गया कि बदर के इस मौके पर सहाबाए किराम अल्लाह पर यकीन मुकम्मल रखते थे, लेकिन तासुर होता है तो अल्लाह ने तादाद बड़ी ही थोड़ी सी करके दिखाई। तीसरी बात यह आई कि फरिश्तों का नुज़ूल हुआ, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने यह फरमाया कि वमन नसरु इल्ला मिन इंदिल्लाह, मदद तो अल्लाह की तरफ से आती। हमें हर हाल में अल्लाह पर यकीन रखना, कामिल यकीन। ये हालात तो यकीन बढ़ाने के लिए आते हैं, ईमान बढ़ाने के लिए आते हैं। किसका राज है, किसकी हुकूमत है, किसकी ताकत है, किसकी सल्तनत है, किसकी बादशाहत है, किसका सारा निजाम है। आज पूछो इंसानों से, पूछो अपनों से, पूछो गैरों से कि आज कायनात में किसकी बादशाहत नजर आती है, कौन ताकतवर नजर आता है। वो एक जुर्सुमा, वो एक वायरस जो अल्लाह की इतनी अदना मखलूक है जिसको निगाहें देख भी नहीं सकती, उस मखलूक के जरिए पूरी दुनिया को दिगनी का नाच नचाने वाला मेरा अल्लाह कितना ताकतवर है, कितना जबरदस्त है, कैसी उसकी बादशाहत है, कैसी उसकी सल्तनत है, कैसी उसकी ताकतें हैं। ये लश्कर है उसका, ये वायरस लश्कर है उसका, और ऐसे न जाने कितने उसके लश्कर हैं जो उसके पास हैं। वो जब इंसानों पर चाहता है मुसल्लत कर देता है और इंसान अपनी सारी तरक्कियात के बावजूद रब की ताकत के सामने घुटने टेक देता है। अल्लाह की तरफ रुजू कीजिए, अल्लाह से तौबा कीजिए, अल्लाह से इस्तग़फ़ार कीजिए। हालात यकीनन बहुत संगीन, बहुत सख्त हालात हैं, और जिसके अंदर एक तड़पता हुआ दिल है और इंसानियत की हमदर्दी है वो किसी भी इंसान को इन हालात में देख नहीं सकती। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए, पूरी इंसानियत के लिए दुआ कीजिए, पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह से मांगिए कि अल्लाह इस मुसीबत से अब इंसानियत को छुटकारा नसीब फरमाए और आफियत नसीब फरमा दे और खैर का मामला फरमा दे। और अल्लाह से दुआ मांगने के साथ साथ उस पर यकीन रखते हुए अपने आप को भी एहतियात के साथ रखिए और एहतियात करने को दीन के खिलाफ मत समझिए। कल परसों हम एक डॉक्टर साहब के पास गए थे, वो हमसे यही बात कह रहे थे, हम मास्क लगाए हुए थे, तो उन्होंने हमसे यही कहा कि मौलाना आप लोग ज़रूर लोगों के सामने इसको लगा लिया करें ताकि हमारे लोगों को भी कुछ तो जरा बराबर शुरू इस सिलसिले में बेदारी पैदा हो जाए, वरना हमारे इलाकों में तो नाम दो बीमारी का लोग हंसने लगते हैं, मजाक बनाने लगते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कैसी भी शक्ल हो, आजाद की शक्ल हो या किसी भी कैफियत के साथ हो, बहरहाल इस वक्त इंसानियत बड़ी आजमाइश से गुजर रही है और हम सबको तौबा और इस्तग़फ़ार के साथ शदीद इख्तियार की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सब साथ अपने फ़ज़्ल व करम से हमें फ़रमाए। दुआ करता हूँ।